हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। देखिए, बजट जो है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि आने वाले खर्चे में, आने वाले समय में हमारे क्या खर्चे होंगे और क्या हमारा इनकम होगा। इसीलिए बजट में जो है वो एस्टिमेटेड इनकम मतलब एस्टिमेटेड रिसीप्ट मतलब एस्टिमेटेड इनकम होगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का यूज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में इसी वर्ड से डिनोट किया गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो है वो आर्टिकल 112 में और आर्टिकल 202 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट को डिस्कस किया गया है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, और आर्टिकल 202 में स्टेट बजट को डिस्कस किया गया है जिसे गवर्नर पेश करते हैं। ठीक है, देखिए, बजट जो है वो फ्रेंच वर्ड बॉगेटे से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है लेदर बैग और पर्स। अब देखिए, बजट का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें की एस्टिमेटेड इनकम मीन्स अनुमानित आय और अनुमानित व्यय लिखा हुआ हो। आइए अब देखते हैं बजट व्हाट व्हेन वेयर। बजट देखिए, बजट में व्हाट में आएगा क्या में, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अनुमानित आय और व्यय। व्हेन फर्स्ट फेब मतलब कि ये वीडियो भी फर्स्ट फेब को ही रिकॉर्ड हो रही है, आपको फर्स्ट फेब को मिल भी जाएगी तो आज ही, और व्हेयर लोकसभा में। ठीक है, व्हाट में एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, व्हेन में फर्स्ट फेब एंड व्हेयर में लोकसभा में। बजट को फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बजट पढ़ते हैं। देखिए, बजट के लेफ्ट हैंड साइड में बजट रिसीट्स लिखे होते हैं। रिसीट्स में गवर्नमेंट के इनकम इंक्लूडेड होते हैं। जितने भी सारे उनके इनकम है, प्राप्तियां हैं, रिसीप्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी रहती है बजट रिसीप्ट में। और राइट हैंड साइड में बजट एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। अब आइए हम लोग बजट रिसीप्ट में देखते हैं इसके कितने पार्ट है। बजट रिसीप्ट के कुल दो पार्ट है, पहला रिवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा कैपिटल रिसीप्ट। अब हम पहले देखते हैं कैपिटल रिसीट को, फिर रिवेन्यू रिसीट समझेंगे। कैपिटल रिसीट देखने से पहले आप एक बात समझे, ए मींस एसेट्स। जहां पे ए लिखा होगा उसका मतलब होगा एसेट्स, इसका एब्रेविएशन होगा एसेट्स, और एल का मतलब लाइबिलिटीज। देखिए, जहां से फ्यूचर में पैसा आने वाला हो उसे हम कहते हैं एसेट। जैसे मैंने कार खरीदा, अगर जब मैं उसे बेच दूं तो पैसा मिल जाएगा। जैसे मेरा घर है वो मेरा एसेट है, अगर जब मैं बेच दूं तो पैसा मिल जाएगा। फोन है आपका, आपका लैपटॉप है, वो आपका एसेट है। और लाइबिलिटी मतलब होता है जहां आपको पैसा देना है, ऑब्लिगेशंस टू पे इन फ्यूचर, जैसे लोन, बोरोइंग, उधार किसी से ले लिए, वो हो गया आपका लाइबिलिटी। अब आते हैं, देखते हैं कैपिटल रिसीट्स। दोज रिसीट्स व्हिच आइदर रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और इंक्रीजेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, कैपिटल रिसीट से या तो गवर्नमेंट की एसेट में कमी आएगी या फिर लाइबिलिटी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है सेलिंग ऑफ एसेट, विनिवेश, एसेट्स को बेच देना। बोरोइंग मतलब लोन लेना, उधार लेना। डिस इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की एसेट कम होगी और बोरोइंग से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कैपिटल रिसीट का। देखिए, इसका एक और एग्जांपल्स हो सकता है रिकवरी ऑफ लोन। जिसको हम लोन देते हैं वो हमारे लिए डेटर हो जाता है। डेटर मतलब जिसको हम उधार दिए हुए हैं, ठीक, और जिससे हम लोन लेते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। तो जो डेटर्स होते हैं जिसको हम लोन देते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं, और जब लोन हमें मिल जाता है, पैसा हमें वापस मिल जाता है, तो हमारे एसेट्स कम होते हैं। जैसे सपोज मैंने दो लोगों को 10,000 रुपए दिए, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अगर जो पर्सन ए ने मुझे दे दिया, मेरी लोन रिकवर्ड हो गई, तो मेरी एक जो एसेट है वो कम हो गई। इसीलिए रिकवरी ऑफ लोन मेरी यहाँ पे आती है। अब आइए देखते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के डेफिनेशन से ही रिवेन्यू रिसीट्स का डेफिनेशन बनेगा। ऐसे रिसीट्स जिससे ना गवर्नमेंट की एसेट कम हो ना लाइबिलिटी बढ़े। ऐसे रिसीट्स जिससे ना ही गवर्नमेंट की एसेट कम हो ना ही लाइबिलिटी बढ़े। दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट।
रिवेन्यू रिसीट्स के दो टाइप है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स वो पैसा होता है, वो इनकम होता है गवर्नमेंट के लिए, जिसे हर सिटीजन को ऑब्लिगेटरी है देना, कोई इसे मना नहीं कर सकता। टैक्स के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनको समझने से पहले हम नॉन टैक्स को पहले समझते हैं। देखिए, नॉन टैक्स वो पैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक चालान, जैसे हम लोग कभी जाते हैं विदाउट हेलमेट या रेड लाइट जंप कर दिए या सीट बेल्ट नहीं पहने कार में, तो जो चालान कट जाता है वो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की फीस या कहीं आपकी फाइन लग गई इत्यादि, ये नॉन टैक्स इनकम है। इन पैसों से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। देखिए, आइए हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि लायबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, मतलब जिस पे टैक्स लगता है उसी को देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता कि लायबिलिटी टू पे लगता किसी और पे और देता कोई और है। इस बात को आप बर्डन ऑफ द टैक्स को समझने के लिए, शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स को समझने के लिए पहले एक बार इनडायरेक्ट टैक्स को समझिए, फिर आप समझ जाएंगे कि लायबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन का मतलब क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि लायबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्संस। जैसे फॉर एग्जांपल जो जारा एक क्लॉथिंग कंपनी है, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जब वो कपड़ा बनाता है, पर वो टैक्स जो है जारा कलेक्ट करता है कस्टमर्स से। इसी को हम कहते हैं लाइबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द टू डिफरेंट पर्सन। लाइबिलिटी टू पे जारा पे था, पर बर्डन ऑफ द टैक्स हुआ हम कंज्यूमर्स पे। ठीक है, पर इस अब आप समझ गए होंगे कि लाइबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन एंड फॉल्स ऑन द टू डिफरेंट पर्सन का मतलब क्या है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था इनकम टैक्स, जैसे हमारे एक निश्चित आय के ऊपर जो टैक्स लगता है। जो दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे। तीसरा गिफ्ट टैक्स, जो गिफ्ट लेने पे लगता है। इससे एक फेमस केस है सचिन तेंदुलकर एंड फेरारी की। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि। देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें ये दिया रहता है और इनमें से एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल दे देता है, या ऐसे पूछ देता है अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। बजट एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टार्ट करता है, किक स्टार्ट करता है। बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं, फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर आते हैं जिससे या तो गवर्नमेंट की एसेट बढ़ती है या लाइबिलिटी कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नए कॉलेजेस बनना, हॉस्पिटल्स बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, S-400 खरीदना या रफेल खरीदना या हाउइट्जर M-77 गन खरीदना, या फिर और भी कोई चीज जिससे एसेट बने, या फिर जो हमारे लोन्स हैं, जो हमने लोन ले रखे हैं उनको पे करना, या किसी कंट्री को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना, वो उससे हमारी एसेट बढ़ेगी। ठीक है, या फिर अगर जो हम लोन देंगे तो उससे हमारी लायबिलिटी कम होगी, लोन जो हम रीपे करेंगे उससे हमारी लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे ना ही गवर्नमेंट की एसेट बढ़े ना ही लायबिलिटी कम हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना, पेंशन देना और इंटरेस्ट पेमेंट। एक सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट से कोई भी लायबिलिटी कम नहीं होती, इसीलिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है किसी भी देश से 10 बिलियन की लोन ले और ये ले 10% पर एनम पे, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो 10 बिलियन से इन्फ्लेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो होगी $1 बिलियन। गवर्नमेंट अगर इस पैसे को पेमेंट कर दे तो क्या ये जो 10 बिलियन की लायबिलिटी थी वो कम हुई? नहीं ना, इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा।
ठीक है। उसके बाद सैलरी, पेंशन, एजुकेशन, एजुकेशन पे जैसे टीचर को पेमेंट दे दिए, जैसे हेल्थ सर्विसेज पे खर्चा हो गया, डॉक्टर को सैलरी दे दिए, एटसेट्रा, सारा यहीं पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। आइए इसके एग्जांपल्स को एक बार हम फिर से देख लेते हैं दोनों के। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। इसमें आएगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, ग्रांट्स आएगा, सब्सिडीज आएगा, जो हमारे डिफेंस सर्विसेज पे खर्च होता है वो आएगा, जो हमारा एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज पे खर्च होता है वो आएगा। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी हमारे लैंड और मशीनरी पे एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे, शेयर्स में गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो यहाँ पे आएगा, जो क्रिएशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे आएगा, और लोन्स टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट यहाँ पे आएगा, और हमारा डिफेंस एक्विजिशन जैसे S-400 खरीदना, राफेल खरीदना एटसेट्रा, वो सब यहाँ पे आएगा। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए गवर्नमेंट बजट की पहली ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जो बजट के स्ट्रक्चर ऑफ बजट के राइट हैंड साइड पे देखे थे बजट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स चल रही हैं लाइक तेजस एक्सप्रेस एटसेट्रा, उससे क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास हमारी बढ़ रही है। दूसरा है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब कि हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, जहां पे प्राइवेट सेक्टर फोर्थ कमिंग नहीं है, आगे बढ़ के काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल्स हमारे पब्लिक सैनिटेशन, टॉयलेट्स जो गर्ल्स के लिए बनाए जाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या कहीं भी जैसे रोड्स पे बनाए जाते हैं, स्टेशन्स पे बनाए जाते हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर फोर्थ कमिंग नहीं है। गांव में हॉस्पिटल्स बनाना, गांव में स्कूल्स बनाना, तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर फोर्थ कमिंग नहीं है वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर आके काम करती है, इसी को हम कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा देखिए रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है बजट से, आप जब बजट रिसीट को देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रिवेन्यू रिसीट में टैक्स था, और टैक्स में एक था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो रिच पर्सन पे लगता है, जिनकी इनकम एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो उनपे क्या लगता है इनकम टैक्स। तो उससे क्या होता है कि इनकम टैक्स वहां से लेके पैसा और गरीबों को सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है इनइक्वालिटीज कम होता है, क्योंकि जहां पे ज्यादा पैसा है जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है उनसे लेके जिन लोगों के पास कम पैसा है उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे इनइक्वालिटीज भी कम होती है और रिडिस्ट्रीब्यूशन भी ऑफ इनकम भी होता है। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बजट एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे क्या होता है मार्केट में जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, पर बजट उसे भी कंट्रोल करता है, इस बात को हम लोग इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी भी कम करता है। जैसे कहीं पे रेलवे लाइंस बिछने लगी, कहीं पे हाईवेज बनने लगे, तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, जो पुअर लोग होंगे, वो भी वर्क करके कमा सकते हैं और उससे उनका गरीबी भी मिट सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट जो है वो कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को भी मैनेज करती है, फॉर एग्जांपल भेल, गेल, सेल, तो उनको बजट के द्वारा ही पैसा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनका मैनेजमेंट हो सके। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट पढ़ने से पहले दो चीज आप देख लें, यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज किया है बीई और बीआर। बी का मतलब है बजट एक्सपेंडिचर, जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बजट के राइट हैंड साइड में था, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, ठीक। और दूसरा बीआर, बीआर का मतलब है बजट रिसीट, जो हमारे बजट के लेफ्ट हैंड साइड में था, जिसमें गवर्नमेंट के इनकम नोटेड है। देखिए जो बजट है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट का एक स्टेटमेंट है। तो क्या हो सकता है, तीन ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकती है, या तो गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट है वो दोनों बराबर हो जाए, या गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट है उसमें से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रिसीट कम हो जाए, या फिर रिसीट ज्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर कम हो जाए, इन तीनों से तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इन्हीं के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बजट भी तीन है। देखिए
पहला जो टाइप्स ऑफ बजट है वो है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है और जो रिसीट है बी इक्वल्स टू बी आर हो जाता है, एक्सपेंडिचर और रिसीट तीन दोनों मैच कर जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है वो है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है, सरप्लस मतलब होता है ज्यादा हो जाना। ज्यादा कब होगा, जब हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी और एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसका मतलब जब हमारी बी आर ज्यादा हो जाएगी, बजट रिसीट ज्यादा हो जाएगी बजट एक्सपेंडिचर से, वो हमारे लिए सरप्लस के केस में होगा। और तीसरा टाइप जो है वो है डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब होता है घाटा। घाटा कब होगा, जब हमारे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और रिसीट कम हो जाएगा। इसका मतलब जब हमारी बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा बजट रिसीट से, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेफिसिट। देखिए टाइप्स ऑफ डेफिसिट जानने से पहले एक और एब्रिवेशन देख लिया। एब्रिवेशन है आरई। आरई मीन्स हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आरई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, और आरआर मीन्स रिवेन्यू रिसीट्स, और बी और बीआर आपने पहले देखा ही था। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट में पहला आता है रिवेन्यू डेफिसिट। हम लोगों को रिवेन्यू में एक एक्सपेंडिचर साइड में देखे थे और एक रिसीट साइड में देखे थे। रिवेन्यू की घाटा कब लगेगी, जब हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा रिवेन्यू रिसीट से, तब ये हमारा रिवेन्यू के लिए लॉस है। दूसरा हमारे लिए डेफिसिट का टाइप है फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। एक मैंने यहाँ पे सैंपल बजट लिख रखा है जिसमें बजट रिसीट है और बजट एक्सपेंडिचर है। सपोज उस बजट रिसीट में गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, अनुमानित इनकम है, एस्टिमेटेड रिसीट है, वो है 10 लाख, ठीक, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हो गए 15 लाख। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे डेफिसिट कितने की हो रही, 5 लाख। यही जो पैसा है वो फिस्कल डेफिसिट होगा। लेकिन कोई भी बजट जब सरकार बनाती है उसे पैसा बोरोइंग लेके, उधार लेके एट द एंड उसे बैलेंस्ड बजट बना देती है, क्योंकि अगर जो बैलेंस्ड बजट नहीं रहेगा तो काम बीच में रुक जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट की फॉर्मूला होगी बीई माइनस बी आर। 15 लाख यहाँ पर एग्जाम्पल है, माइनस बी आर जो कि ये 10 लाख है, ठीक। लेकिन हम बोरोइंग को छोड़ देंगे, क्योंकि बोरोइंग को ले लेंगे तो वो बजट क्या हो जाएगा, बैलेंस बजट हो जाएगा, ठीक है। तो बोरोइंग को हम छोड़ देंगे, बीई माइनस बी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लेकिन अब आप उसके आगे एक चीज देखे तो बीई माइनस बी आर करने पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्या यही 5 लाख रुपए आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो बोरोइंग का है, ये बोरोइंग का ही डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। एक बार आप और समझिए, बीई माइनस बी आर, बीई जो 15 लाख है इस एग्जांपल में और बी आर जो है वो 10 लाख है बोरोइंग को छोड़ के, तो क्या ये डिफरेंस जो है वो बोरोइंग का है, बोरोइंग का ही आया। और फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो बोरोइंग के बराबर ही होगा, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बजट के चैप्टर में, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट इसमें ये जानती है कि जो पैसे हमने बोरोइंग किए हैं, जो हमारी फिस्कल डेफिसिट हुई है, उसमें कितना जो है वो हमारे देश के विकास पे हुआ, यूज हुआ है। क्योंकि जब आप बजट एक्सपेंडिचर साइड में देखेंगे तो उसमें आएगा एक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे देश को इंटरेस्ट देने से हमारे देश की कोई विकास नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइमरी डेफिसिट निकालती है, और इस प्राइमरी डेफिसिट को निकालने की फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट को हम लोग बोरोइंग भी कहते हैं, तो बोरोइंग और फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाला जाएगा, और ऑप्शन में आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू, और उसके ऑप्शन में था प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग, या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को करके आना होगा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इसी के साथ हमारा बजट चैप्टर खत्म हुआ। होप You like this video.